हे गाइस आप लोग कैसे हो टेक सेवन यूट्यूब चैनल से मैं सौम्रन। तो Realme ने जो है Realme GT जो मास्टर एडिशन लॉन्च किया, ये फोन का दाम रखा था 28,000 रुपया, 8GB RAM 128GB इंटरनल की सर। तो दाम मुझको तो एकदम पसंद नहीं आया था, मैं सीधा बोला था ये फोन का 25,000 का ऊपर का दाम नहीं होना चाहिए था। तो सेम टाइम हम लोग देखा क्यों ना हम लोग OnePlus Nord 2 के साथ एक कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि OnePlus Nord 2 का भी 8GB 128GB वेरिएंट जो 30,000 रुपया में मिल रहा है। तो 28,000 30,000 दोनों के अंदर 2,000 रुपया का डिफरेंस है, एंड ये 2,000 रुपया डिफरेंस में आपको OnePlus Nord 2 में क्या क्या चीज अच्छा मिल रहा है, क्योंकि मैं खुद OnePlus Nord 2 का एक रिव्यू कर चुका हूं, अगर नहीं देखा तो एक बार जाकर आप देख सकते, बहुत ही अच्छा लगा था मुझको फोन। तो कंपैरिजन देख लीजिए तो आपको और भी अच्छे से पता चलेगा OnePlus Nord 2 में क्या ज्यादा बेटर है कंपेयर टू Realme GT Master Edition। तो चलिए वीडियो कंप्लीट देखते रहिए। तो दोस्तों Realme GT Master Edition का जो दाम है 28,000 रुपया, जो हम लोग पहले भी बोला ये 28,000 रुपया का फोन नहीं है, क्योंकि इधर कुछ स्पेसिफिकेशन वाइज कुछ ऐसा यूनिक नहीं है जो ये फोन को 28,000 रुपया दाम कर सकते। 25,000 रुपया एक अच्छा दाम हो सकता था ये फोन का, बट डिजाइन के मामले में Realme GT Master Edition एक काफी अच्छा लुक आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इधर जो सूटकेस वाला डिजाइन है ना ये काफी एक यूनिक लुकिंग आपको देगा, एंड ओवरऑल मुझको भी ये जो सूटकेस वाला डिजाइन था Realme GT Master Edition का ये अच्छा लगा था। तो सब कुछ लेकर डिजाइन के मामले में सच में Realme GT Master Edition में थोड़ा फंकी लुक आपको प्रोवाइड करेगा, बट OnePlus Nord 2 को देखेंगे ये भी पीछे नहीं है। मैं खुद यूज किया, ग्लास बैक के ऊपर ये डिजाइन है, एंड OnePlus 9 सीरीज का जो है काफी इंस्पायर्ड लगता है, स्पेशली OnePlus 9 या 9R की तरह इधर आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा, हाथ में काफी अच्छे से ग्रिप हो जाता है। साइड का जो फ्रेम है ये आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, बैक तो ग्लास का है, एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का आपको प्रोटेक्शन भी ग्लास के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों डिजाइन के मामले में मेरा पर्सनल फेवरेट OnePlus Nord 2 ही रहेगा, क्योंकि मिनिमल लुक मुझको ज्यादा पसंद है, एंड OnePlus Nord 2 को मैं खुद हाथ में लेकर यूज भी किया है इसलिए। दोस्तों नेक्स्ट अगर दोनों फोन का फिजिकल ओवरव्यू की बात करें किया जाए, तो दोनों फोन में जो है आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट नीचे देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन में जो आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा, जो एक काफी अच्छा लगा ये बजट में, ऑब्वियसली देना भी चाहिए। नेक्स्ट अगर दोनों फोन का 3.5 ऑडियो जैक की बात करेंगे, GT Master Edition के अंदर आपको देखने को मिलेगा, बट OnePlus Nord 2 में नहीं था, एंड ये बात हम लोग रिव्यू वीडियो में भी बोला था, ये चीज काफी एक कॉन्स के अंदर रहेगा। इसका बाहर में दोस्तों अगर जो सिम का ट्रे देखेंगे, दोनों में ही आपको डुअल सिम सेम टाइम आप यूज कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाहर में अगर दोनों फोन का डिस्प्ले के ऊपर गौर करेंगे, तो OnePlus Nord 2 में जो है आपको देखने को मिल रहा है 6.43 इंच का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 5 होल आपको बाएं तरफ देखने को मिलेगा, एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। यह जो है एक 90Hz रिफ्रेश रेट का एक डिस्प्ले है। तो सब कुछ लेकर इस बजट वाइज देखा जाए तो डिस्प्ले काफी तो अच्छा है, एंड ओवरऑल पीक ब्राइटनेस प्रोबेबली 1000 या 1100 नीट्स का देखने को मिलेगा, बट इस बजट वाइज देखेंगे ना ऑब्वियसली हम लोग जो 120Hz रिफ्रेश रेट का एक डिस्प्ले हम लोग ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो OnePlus जो ये मामले में थोड़ा सा कट डाउन किया इधर देखने को मिले, बट फिर भी डिस्प्ले मैं खुद यूज किया तो मुझको काफी अच्छा लगा था इसका डिस्प्ले का क्वालिटी। सेम टाइम Realme GT Master Edition में भी आपको 6.43 इंच का ही डिस्प्ले देखने को मिलेगा, इधर भी बाएं तरफ 5 होल देखने को मिलेगा, बट ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, बट इधर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। बट डिस्प्ले वाइज अगर देखेंगे दोनों फोन का डिस्प्ले सिमिलर है, बट फिर भी 120Hz रिफ्रेश रेट का जो एडवांटेज या सीधा Realme के पास चला जाता है, तो डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज ऑब्वियसली Realme के पास जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अगर दोनों फोन का रैम एंड इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात किया जाए, उसका पहले एक इन्फॉर्मेशन लोगों का साथ शेयर करना चाहता हूं। आप लोग वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसके लिए देखिए व्यूअर सिस्टम चैनल में सब्सक्राइबर के जो रेशियो है 1% का भी नीचे चल रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए तो आपको भी इस तरह वीडियो मिल जाएगा, हम लोगों को भी जो चैनल को ग्रो करने में हेल्प हो जाएगा। एंड ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, लाइक करके हम लोगों को जो लाइक टारगेट फिल कीजिए, जितना ज्यादा लाइक होगा ना ये वीडियो उतना ही ज्यादा व्यू गेन करने में हेल्प हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज जानना है ये तो डिवाइस को लेकर, नहीं तो कुछ भी चीज रिकमेंड करना है सजेस्ट करना है, नीचे जरूर कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। दोस्तों दोनों फोन में जो है आपको LPDDR4X रैम देखने को मिल जाएगा, बट अगर आप स्टोरेज देखेंगे तो OnePlus Nord 2 में आपको UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, बट सेम टाइम जो है Realme GT Master Edition में आपको UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो इधर मैं देखा UFS 2.2 स्टोरेज दिया, बट इस बजट में UFS 3.1 देना चाहिए तो Realme को। तो दोस्तों नेक्स्ट दोनों फोन का अगर कैमरा देखेंगे, जिधर देखिएगा Realme को OnePlus कंप्लीट किल करके रख देता है, क्योंकि Realme का ये फोन में कंप्लीट एक जनरल कैटेगरी का आपको
कैमरा सेंसर यूज होते देखने को मिलेगा। 64 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी कैमरा है ये ओमनीविजन का सेंसर है, अपर्चर 1.8 के साथ पिक्सल साइज 0.7 माइक्रोन का देखने को मिल जाएगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रॉइड लेंस देखने को मिलेगा 120 डिग्री एफओवी के साथ, इसका बाहर में 2 मेगापिक्सल का एक यूजलेस मैक्रो सेंसर। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा, अपर्चर 2.5 के साथ पिक्सल साइज 0.7 माइक्रोन का, पिक्सल बिनिंग में 1.4 माइक्रोन का देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल में जब आप फोटो क्लिक करेंगे। तो प्राइमरी कैमरा को अगर आप देखेंगे नॉर्मल डेलाइट कंडीशन में ये आपको अच्छा पिक्चर क्लिक करके दे देगा, कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। बट जब लो लाइट में आएगा, लो लाइट में इधर आपको डेडिकेटेड लो लाइट मोड देखने को मिलेगा, जिसको यूज करते हुए भी आप इधर अच्छा खासा पिक्चर क्लिक कर पाएंगे। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस डे नाइट में, तो आप डे लाइट में जो है ओवरऑल अच्छा पिक्चर तो आपको क्लिक करके दे ही देगा। इवन लो लाइट में अगर आप थोड़ा नाइट मोड को यूज करेंगे तो थोड़ा यूजेबल फोटो आपको आते देखने को मिल जाएगा। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर के बारे में बात नहीं करना ही अच्छा। बट अगर आप देखेंगे ये फोन 28,000 का फोन है, तो 28,000 वाइज देखा जाए तो ऑब्वियसली हम लोग और भी बेटर प्राइमरी सेंसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस बजट में और भी ब्रांड को देखिए 108 मेगापिक्सल का सेंसर दे रहा है, नहीं तो हाई रेजोल्यूशन 50 मेगापिक्सल का सेंसर दे रहा है, जो और भी बेटर है ये 64 मेगापिक्सल इधर इस तरह से कट डाउन किया रियलमी ने। इसका बाहर में अल्ट्रावाइड लेंस 8 मेगापिक्सल, जो इस बजट में नहीं होना चाहिए। इस बजट में अल्ट्रावाइड लेंस मिनिमम 12 मेगापिक्सल नहीं तो 16 मेगापिक्सल का होना चाहिए। जो चीज भी इधर नहीं है इसका बाहर में, तो टेलीफोटो लेंस को छोड़ दीजिए, जो भी नहीं है। तो सब कुछ लेकर देखिए कैमरा जो है एक खास 20,000 रुपया इसका नीचे का फोन की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट का कैमरा भी आपको ठीक ठाक पिक्चर क्लिक करते देखने को मिल जाएगा, HDR की तरह फीचर भी देखने को मिलेगा। कैमरा में ओवरऑल में AI मोड आपको देखने को मिलेगा, वीडियो में पोर्ट्रेट बोके मोड देखने को मिल जाएगा, बोके फ्लेयर मोड ये सब कुछ देखने को मिलेगा। इधर जो कैमरा एप्स देखने को मिलेगा ये ओप्पो का कैमरा एप्स देखने को मिलेगा रियलमी का फोन में। बट ओवरऑल सब कुछ लेकर देखा जाए तो ये एक डिसेंट कैमरा सेटअप है, बट बहुत ही अच्छा नहीं। सेम टाइम वन प्लस का फोन में जो है प्राइमरी कैमरा देखने को आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, अपर्चर 1.85 के साथ एंड पिक्सल साइज 1 माइक्रोन का देखने को मिलेगा, जो पिक्सल मीनिंग में जो है 12.5 मेगापिक्सल में जब फोटो क्लिक करेंगे ये पिक्सल का साइज जो है 2 माइक्रोन का देखने को मिलेगा। एंड प्लस इधर जो है प्राइमरी कैमरा OIS भी है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे डेलाइट कंडीशन में तो काफी इंप्रेसिव शॉट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं खुद यूज किया, बहुत ही अच्छा आपको पिक्चर तो देखने को मिलेगा। इवन लो लाइट कंडीशन में अगर आप लो लाइट मोड यूज भी नहीं करते हो तो भी आपको काफी अच्छा पिक्चर आते देखने को मिलेगा। एंड अगर आप इसका साथ लो लाइट मोड पर ऐड करते हो प्राइमरी कैमरा में, तो बहुत ही अच्छा कुछ पिक्चर आपको क्लिक करके देता है लो लाइट कंडीशन में। एंड OIS होने पर जो है लो लाइट कंडीशन में अगर आपका थोड़ा बहुत हाथ शेक भी होता है तो पिक्चर में किसी तरह आपको ब्लरीनेस देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज को लेकर जो है मैं प्राइमरी कैमरा को बहुत ही अच्छे से थम्स अप देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझको जो है बहुत ही अच्छे इंप्रेसिव शॉट क्लिक करके दिया था OnePlus Nord 2। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस जो डेलाइट में ठीक है, बट इस बजट का फोन में ऑब्वियसली मैं पहले भी बोला अभी भी बोल रहा हूँ 12 मेगापिक्सल या 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस होना चाहिए था, बट जो चीज हम लोगों को ये फोन में भी मिसिंग लगा। फ्रंट का 32 मेगापिक्सल ठीक ठाक है, बट अपडेट देकर काफी हद तक इम्प्रूव किया गया था जब मैं यूज किया था, क्योंकि जब मैं पहले फोन ले आया था तब जो है उतना अच्छा फ्रंट कैमरा नहीं था। अपडेट होगा थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ, बट और भी इम्प्रूव का स्कोप है फ्रंट कैमरा वाइज देखा जाए तो। बट फिर भी पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड अप टू 4K तक वीडियो रिकॉर्ड इधर भी देखने को मिल जाएगा रियलमी की तरह। बट इधर जो वॉइस होने पर बहुत ही स्टेडी वीडियो आपको रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, वो 4K बोलिए 1080p बोलिए। और दोस्तों 1080p में जो है आपको OIS के साथ साथ EIS को भी काम करते देखने को मिलेगा, इसलिए जो बहुत ही स्मूथ आपको वीडियो क्लिक करते देखने को मिलेगा। सब कुछ लेकर जो है मैं कैमरा के मामले में क्लियरली OnePlus Nord 2 को ज्यादा अच्छा मानूंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर दोनों फोन का परफॉर्मेंस सेक्टर देखेंगे तो Realme GT Master Edition में आपको जो है Snapdragon 778 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रोसेसर को जो है आपको ऑलमोस्ट Snapdragon 855 प्लस या 860 की तरह परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, GPU सेक्शन में अभी भी 860 या 855 प्लस जो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू Snapdragon 778G प्रोसेसर से। एंड ओवरऑल जो परफॉर्मेंस तो अच्छा मिलेगा। एंड इस बजट वाइज देखा जाए तो एज ए Snapdragon प्रोसेसर एक काफी अच्छा आपके लिए डील हो सकता है ये फोन। एंड इधर जो आपको 11 5G बैंड का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सेम टाइम जो है MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा OnePlus Nord 2 में। एंड Dimensity 1200 जो है MediaTek का फ्लैक्सी प्रोसेसर है, 6 लाख प्लस से लेकर 7 लाख के आसपास तक आपको एंटीटी पर बेंचमार्क देखने को मिल जाएगा। गेमिंग परफॉर्मेंस से लेकर नॉर्मल परफॉर्मेंस हर एक मामले में बहुत ही अच्छा आपको परफॉर्मेंस
डिलीवर आपको करते देखने को मिल जाएगा। एंड सब कुछ लेकर जो है मैं खुद यूज किया तो वन प्लस नॉट टू का जो परफॉर्मेंस देखने को मिला डायमेंशन 1200 के साथ बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। एंड पबजी की तरह गेम HDR के साथ साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट के ऊपर आप खेल सकते हैं। सब कुछ लेकर जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाला है वन प्लस नॉट टू के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट बैटरी के ऊपर गौर करेंगे तो GT मास्टर एडिशन में जो आपको 65 वाट का चार्जर अडैप्टर इनबॉक्स तो दिया गया एंड चार्ज जो बैटरी है ये 4300 mAh की देखने को मिलेगा। तो बैटरी जो है आपको विद इन 30 to 40 मिनट के अंदर कंप्लीट चार्ज होते देखने को मिलेगा एंड ओवरऑल बैटरी बैकअप जो अच्छा खासा मिल जाएगा। सेम टाइम वन प्लस नॉट टू में जो आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा। इधर भी 65 वाट का चार्जर अडैप्टर है एंड ये फोन भी आपको 35 मिनट to 40 मिनट के अंदर अंदर फुल चार्ज करके दे देगा। तो चार्जिंग के मामले में दोनों फोन ही काफी अच्छा है। सॉफ्टवेयर एंड UI के मामले में Realme UI देखने को मिलेगा GT मास्टर एडिशन के अंदर बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 एंड काफी कस्टमाइजेशन का फीचर भी देखने को मिलेगा एंड ओवरऑल एक अच्छा UI है। बट ब्लोटर इंस्टॉल की तरह प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत ऐड भी देखने को मिल सकता है। उसको छोड़कर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है कुछ ऐसा एप्स देखने को मिलता है Realme UI के अंदर जो आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, अनवांटेड नोटिफिकेशन आने की तरह प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसको छोड़कर Realme UI जो है काफी अच्छा UI है। सेम टाइम OnePlus Note 2 में ऑक्सीजन OS 11.3 देखने को मिल जाएगा। Android 11 बेस्ड तो है एंड रिसेंट टाइम के अंदर ऑक्सीजन OS जो है कलर OS के साथ एम्बेडेड हो रहा है एज लाइक Realme UI। Realme UI भी कलर OS के ऊपर बेस्ड करके बनाया जाता है, सेम केस होने जा रहा है OnePlus के साथ भी। OnePlus का ऑक्सीजन OS भी कलर OS बेस्ड होगा बट अगर आप ऑक्सीजन OS को यूज करेंगे आपको फील नहीं होगा ये कलर OS है, काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है एंड ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इधर भी आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। तो दोस्तों कंपैरिजन से एक चीज क्लियर हो रहा है, कैमरा सेगमेंट एंड इसके साथ परफॉर्मेंस सेक्टर जो दो मेन सेक्शन है ये दो मेन सेक्शन में जो है OnePlus ज्यादा अच्छा हम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं सेम बजट के अंदर। तो ऑब्वियसली OnePlus Note 2 ही लेना ज्यादा अच्छा होगा। बाकी आपके ऊपर है आपको कौन सा फोन लेना चाहिए वो आप डिसीजन लीजिए। आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोगों का ये वीडियो का लाइक टारगेट जो 50 रखा गया वो जरूर फिल कीजिए। वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज जानना है नीचे कमेंट सेक्शन है जाइए कमेंट कीजिए, कमेंट के आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। चैनल में नए पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए तो आपको भी इस तरह वीडियो मिलता रहेगा, हम लोगों को भी जो चैनल को ग्रो करने में हेल्प हो जाएगा। ये वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड कॉलिंग मेंबर फैमिली मेंबर के साथ। फिर एक नया वीडियो मुलाकात में जा रहा है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय।